विश्व स्वास्थ्य संगठन के जानकर्ताओं ने बुधवार को वुहान के रिसर्च सेंटर का दौरा किया। दरअसल कोरोना वायरस की उत्पत्ति मामले में अटकलें वुहान को लेकर ही लगाई जा रही हैं। WHO की टीम द्वारा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के इस दौरे का मुख्य मकसद इस बात को लेकर जानकारियां एकत्रित करना है कि कैसे और चीन के किस शहर से वास्तव में वायरस का संक्रमण शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। चीन के टॉप वायरस रिसर्च लैब में से एक इस इंस्टीट्यूट ने 2003 में गंभीर सांस की बीमारी फैलने के बाद चमगादड़ से निकले कोरोना वायरस के बारे में जेनेटिक जानकारियों का आर्काइव बनाया था। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि संक्रामक रोग से संबंधित विशेषज्ञों वाली WHO की टीम चीन में पिछले कई दिनों से नए कोरोना वायरस को लेकर छानबीन कर रही है और उसकी उत्पत्ति के मूल स्थान का पता लगाने में जुटी है। इस क्रम में टीम ने वुहान के हुबई स्थित उस रोग नियंत्रण केंद्र यानी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का दौरा किया, जिसने प्रारंभिक स्तर पर वायरस से निपटने का काम किया था। इसके अलावा टीम वुहान के उन अस्पतालों में भी गई जहां संक्रमण की शुरुआत में मरीज भर्ती हुए थे। इस क्रम में टीम वुहान जिनयांतन अस्पताल और हुबई इंटीग्रेटेड चाइनीज एंड वेस्टर्न मेडिसिन अस्पताल जा चुकी है। टीम ने यहां के सी फूड बाजार की भी पड़ताल की। आपको बता दें, इससे जुड़ी रिपोर्ट्स में ऐसी अटकलें हैं कि इसी सी फूड बाजार से वायरस का संक्रमण शुरू हुआ था। टीम ने अपनी क्वारंटाइन की अवधि खत्म होने के बाद पिछले गुरुवार से अपना काम शुरू किया। इस टीम के दौरे का कोई भी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। संक्रमण के जोखिम को देखते हुए चीन ने वुहान में 76 दिनों का लॉकडाउन लगाया था। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।